हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज लर्नर्स लोकेशन कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू ऑल आर फाइन आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन है डिस्कस हैमिंग वेस्ट प्रोस्टाइल इन दी सनऑल्सोराइजेज ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है इसलिए आज हम ये क्वेश्चन अपना कम्प्लीट करेंगे तो अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए आपने प्लेलिस्ट में जाना है एमए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे मैंने सारे अपने नोट्स अपलोड किए हुए हैं जो अब तक के हैं और मैं आगे भी नोट्स अपलोड करूंगी तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना लाइक शेयर एंड कमेंट तो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले तो जो सन सनऑल्सो राइसिस है ये किसने लिखा था अर्नेस्ट मिलर हैमिंग ने लिखा था और जो है ही वाज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट थे शॉर्ट स्टोरी राइटर थे जर्नलिस्ट थे और स्पोर्ट्स मैन थे इन दिसजेज ही पोर्ट्रेज दी दिस एंटेटमेंट ऑफ लॉस्ट जनरेशन इन दी आफ्टर मैथो वर्ल्ड वार फर्स्ट जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो जनरेशन थी ना उसको इन्होंने बोल दिया लॉस्ट जनरेशन ठीक है दिस इन ऑल्सो राइज डिपिक्ट लॉस ऑफ़ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ किस चीज़ का लॉस हुआ यहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का लॉस हुआ एमलेसनेस आ गई लोगों के अंदर जो जन उस टाइम के उस ऑफ हिज जनरेशन राइटर और आर्टिस्ट ठीक है दिस ऑल्सो राइजेज डिपिक्ट कंडीशन ऑफ मैन इन दोसाइटी दैट हैज बीन अपसेट बाय दोइलेंस ऑफ वार किस कंडीशन दिखाई गई है मैन की कंडीशन दिखाई गई है सोसाइटी के अंदर जो कि किस अपसेट है जो कि अपसेट है जो वोलेंस हुआ था वोलेंस हुआ था कहाँ पे वार की वजह से जो वोलेंस हुआ था उससे जो मैन है वो अपसेट है उसकी कंडीशन दिखाई गई है दी सन ऑल्सो राइजिज इज स्टोरी ऑफ पोस्ट वार प्रडिका एंड एटमोसफियर हैमिंग वेज प्रोटेगनीज जैक बर्नेस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल करेक्टर है ये कौन है ऑटोबायोग्राफिकल करेक्टर है ठीक है हिज कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इज देअर फॉर फ्रॉम द पोजिशन ऑफ सन डाउन टू दैट ऑफ सन राइज अरनेस ने क्या बोला है दर्ल्ड ब्रेक्स एवरी वन एंड आफ्टर मैट सेम आर स्ट्रॉन्ग एट द ब्रोकन प्लेसिज हैमिंग वे इन कॉर्पोरेटेड मैनी एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन एंड लिटरेरी टेक्नीस टू इफेक्टिवली डेवलप मीनिंग इन द मॉडर्निस नॉवल दन ऑल्सो राइजिज इन्होंने इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स यूज किए हैं लिटरेरी टेक्निक्स यूज किए हैं अपने नोवेल को मतलब अच्छा मीनिंग देने के लिए कोई इफेक्टिव मीनिंग निकले इस नोवेल का जो सनसोराइज है इसके अंदर जो है सिम्बोलिज्म है सेटिंग है राइटिंग स्टाइल टोन हिस्टोरीज ऑफ टाइटल आर सम ऑफ द मेजर एलिमेंट्स ऑफ सम ऑफ द मेजर एलिमेंट्स दैट एनहेंस्ड दैट ये एनहेंस्ड है एनहेंस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ठीक है द सेटिंग ऑफ द प्लेस अंडर दिस टाइटल बिकॉज सन ऑल्सो राइज दन गोथ डाउन एंड हैज एड टू द्लेस वेयर ही अराउज ये जो है हमारी कोटेशन है सन ऑल्सो राइज में से टेक्सट में से टू बिगेन दे आर मैनी सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट ऑफ द नावल थ्रू आउट दावल आस्पेक्ट थ्रू आउट द ना बुल फाइटिंग जो है फर्स्ट जो सिम्बोलिज़्म बोला इन्होंने बहुत सारे सिंबोलिज्म यूज़ किए गए हैं पूरे नॉवल के अंदर फर्स्ट जो है बुल फाइटिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल इन फॉर एग्जाम्पल इज अ क्रिटिकल सिम्बल दैट रिप्रेजेंट पैशन ये क्या रिप्रेजेंट करता है पैशन फ्रीडम एनर्जी एज वेल एज सेक्स ऑल द बुल फाइटिंग स्लाइटली सिग्निफाई दी एक्ट ऑफ सेक्स इन दैट द फाइट इन वोल्ड द मैन्यूपलेशन पैनिट्रेशन बाई दैंड्रीलियाज एज वेल एज सडिक्शन बुल फाइटिंग ऑल्सो हैव सिग्निफिकेंट रिलेशन टू द करेक्टर्स इसका जो करैक्टर के साथ भी रिलेशन है कि इसका बुल फाइटिंग का क्रैक्टर्स के साथ क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ रोमरो रोमरो के जो एज अ बुल फाइटर वो बुल फाइटर था इट शोज़ हिज पैशनेट लव एज वेल एज सेक्स होल थ्रू द गोर ऑफ बुल फाइटिंग डिस्टर्ब रोबर्ट रोबर्ट को डिस्टर्ब किया बुल फाइटिंग ने इट डज नॉट इफेक्ट ब्रैट ब्रैट का इस बुल फाइटिंग पे बुल फाइटिंग का ब्रैट पर कोई असर नहीं पड़ा शिवज देर फॉर कमिटेड टू बी टू बी विद रोमरो आफ्टर वॉचिंग हिज बुल फाइटिंग ये रोमरो के साथ कमिटमेंट होगी उसकी कमिट होगी रोमरो के साथ जब उसने उसकी बुल फाइटिंग देखी थी ओन बुल फाइटिंग कोन एंड जॉन कमेंट्स नो बडी एवर लिव्स लाइफ ऑल दी वे अप एक्सेप्ट बुल फाइटर्स ये कोन एंड जॉन बोल रहे हैं अब जैक का रिलेशन बुल फाइटिंग के साथ क्या है Jack's relation to the bullfighting is seen more as indirect sex from war. Jack is an affectionado as so as he begins to become passionate about bullfighting as it allows him to confident, confidently explain the concept of his love breath. Lastly, Jo Montoya.

टू थिंक माई लाइफ इज गोइंग सो फास्ट आई एम नॉट रियली लिविंग इट ये कौन ये दोनों बोल रहे हैं आपस में कि मेरे को नहीं पता लग रहा है कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है इतनी तेज चल रही है और मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं इसको जी रहा हूँ अपनी लाइफ को अनदर सिग्निफिकेंट सिम्बल इन दी सनऑल्सोराइजेज इज़ वोटर फर्स्ट हो गया बुल फाइटिंग सेकेंड हो गया वोटर विच सिम्बोलाइज प्योरिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल ओन फिशिंग ट्रिप जैक एंड बिल वेंट ओन वोटर सुथ इड जैक इशू वैन कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग इट

मोस्ट ऑफ द करेक्टर्स इन दी नॉवल्स आर एल्कोहलिक इट एज इट इज़ अ मैथड टू एस्केप दे थ्रो बैक्स अपनी कमियों को छुपाने के लिए रियालिटी को रियालिटी ऑफ पर्पजलेसनेस लैक ऑफ लव इस सब को छुपाने के लिए ये पीते थे हैमिंग वे पोर्ट्रेस ड्रंकनेसनेस एज एन आउटलेट टू अवॉइड देयर पर्सनल इशू रैदर देन एक्चुअली कन्फ्रंटिंग देम हैमिंग वे ने किसको दिखाया ड्रंकनेसनेस को कि अपने जो पर्सनल इशू है उनको दबाने के लिए उनको अवॉइड करने के लिए जबकि उनको जब उनको कन्फ्रंट ना करने की वजह से वो पीते थे कि उनको कन्फ्रंट ना करना पड़े ब्रेट ऑल्सो हैड रिलेशनशिप

इन एडिशन टू सम सिम्बोलिजम हैविंग वे सिम्बोलिज्म के साथ साथ ये जो है अलग अलग सेटिंग्स का यूज़ करते थे अपने जो किया हुआ है इन्होंने अपने वर्क के अंदर वेअर किसके यूनिक सेटिंग्स का यूज़ करते थे सिम्बोलिज्म के अलावा वे आर सिग्निफिकेंट इवेंट्स आर टेक प्लेस जहाँ ये सारे इवेंट्स जो हो रहे हैं ये सारे वहाँ वहाँ पर टेक प्लेस होते थे आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट पैरिस जो है पेरिस वाज हब ऑफ ऑथर्स ऑफ फ्रॉम इंग्लैंड और अमेरिका पेरिस क्या था हब हाँ बन गया था किसका जो ऑथर्स थे जो इंग्लैंड और अमेरिका से आए हुए ऑथर्स थे देर फॉर हैमिंग वे क्रिएट्स अ प्लॉट अराउंड हिज ओन लाइफ बाई क्रिएटिंग जैक एज अ करेक्टर हैमिंग वे ने अपने ही लाइफ के अराउंड प्लॉट क्रिएट किया है अब हमने हमने पढ़ा था कि जो ये ऑटोबायोग्राफिकल करैक्टर है ठीक है ऑटोबायोग्राफिकल करैक्टर का मतलब ये होता है कि अपनी लाइफ के बारे में लिखना इसने किसने हैमिंग वे ने जैक के थ्रू अपनी लाइफ दिखाई हुई है Who is also writer that moves to Paris with his friend and going to various clubs and cafes वो भी एक writer था Jack भी और जो अपने friends के साथ Paris जाता है वहाँ पे clubs में जाता है cafes में जाता है next three locations in the novel were in Spain बाकी की तीन जो थी वो Spain के अंदर थी this city is important due to the landscape landscape sceneries विच हैमिंग वे पोर्ट्रेड एज प्योर एंड द सेकेंड सिटी इज पेम्पलोना पेम्पलोना है सेकेंड सिटी विच आर नोन फॉर बुल फाइट जो वहाँ पर बुलफाइट हो रही थी ये पेम्पलोना में हो रही थी हेमिंग वेज इन कॉरपोरेशन ऑफ दिस ट्रांजिशन बैक टू एन अरबन सेटिंग इज़ वेरी सिग्निफिकेंट यूनिक जो अब हमने पढ़ लिया सिम्बुलज़म हमने पढ़ ली इनकी सेटिंग्स अब हम इनका राइटिंग स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे ठीक तो है तो इनका जो राइटिंग स्टाइल है दैट क्रिएटेड मीनिंग थ्रू आउट दी नॉवल ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की जगह ये शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करते थे जो कि हमें स्ट्रेट पॉइंट पे लेके जाते थे ठीक है रैदर दैन देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही यूजेज शॉर्ट सिंपल दैट गेट स्ट्रेट टू दी पॉइंट जो हमें सीधा पॉइंट पे लेके जाते जो वो बात कहना चाह रहे हैं His style is very tense with realistic dialogue that moves quickly between characters, aiding him in effectively getting his message across. In addition to his writing, the tone throughout the novel is very effectively portrayed to the to develop meaning. अब जो है देर इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन सीनिकल याट प्लेफुल कॉमिकल इन टर्म्स द डायलॉग बिटवीन कैरेक्टर मोर ओवर हैमिंग भी क्रिएटेड एन यूनिक टाइटल फॉर हिज नॉवल एज इट कम्स फ्रॉम वर्ड्स इन द बाइबल इट्सल्फ क्या है इन्होंने अपने जो टाइटल रखा है अपने नोवेल का वो जो है कहाँ से आया है एक वर्ड से आया है किससे बाइबल की किसी वर्ड से आया है इट रेफर्स टू द आइडिया दैट ह्यूमंस आर स्मॉल ह्यूमंस जो है छोटे हैं शॉर्ट लिव्ड हैं छोटली पोर्सन ऑफ दैट बिग वर्ल्ड मतलब ह्यूमन को क्या बताया गया एक छोटा सा मतलब पार्ट है इतने बड़े वर्ल्ड का जो अपनी थोड़ी सी लाइफ यहाँ पे जीता है वट प्रोफिट अ मैन ऑफ ऑल हीज लेबर वैन ही टेकन अंडर द सन ही वॉज पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ राइटर्स नोन एज द लोअस्ट जनरेशन लोअस्ट जनरेशन के जो राइटर थे उनका एक पार्ट था विच गिव दाइटल हैज़ हैव अ परस्पेक्टिव ऑफ डिस्पेयर येट ऑल्सो होप इन दैट दिस सन राइज विल दैक्स्ट डे और ऑल ओवर जो है जो सन है राइजेज हैमिंग वे ने मल्टीपल लिट्रेरी एलिमेंट्स यूज किए हैं सिम्बोलिज्म यूज़ किया है सेटिंग जो है इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स हैं राइटिंग स्टाइल टोन यूनिक टाइटल डेवलप मीनिंग ठीक है ये सब चीज़ें जो है मिल के एक मीनिंग डेवलप करती हैं पूरे वर्क का दिस टर्म दिस डिज इफेक्टिवली एनहेंस दिस डिज इफेक्टिवली एनहेंस दर्क क्रिएटिंग अूनिक पीस ऑफ लिटरेचर दैट विल कॉन्टिन्यू टू इन्फ्लुंस रीडर्स इन दी फ्यूचर ईयर्स अब जो है ये सब कुछ जो है आगले वाले जो फ्यूचर के जो रीडर्स आएँगे उनको जो है इन्फ्लुन्स करेंगी ये सब चीज़ें ठीक है ये क्वेश्चन हमारा कम्प्लीट आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा और Thank you for watching. Like, share, and comment. And subscribe to my channel also. Thank you for watching.